हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं सहारनपुर की खबरों की ओर। पुलिस को चकमा देकर बस स्टैंड के पास एबी रोड पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान के पुतले को दहन करते हुए सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और पुतले को बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। वाटर कैनन से पत्रकारों को भी चोटें आई। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के विधानसभा घेराव के दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह जैसे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की बर्बरता से नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज राजगढ़ जिले में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हेमंत चौहान के निर्देश पर सहारनपुर के बस स्टैंड एबी रोड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश के मुखिया के पुतले दहन करते रहे और पुलिस पुतले को बुझाने में लगी रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चकमा देकर स्थानीय बस स्टैंड के पास एबी रोड पर शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। सहारनपुर से सलमान अली की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अली मौजूद हैं और जिस तरह से कल पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था भोपाल में यूथ कांग्रेस घेराव के दौरान, आज सहारनपुर में पुतला दहन किया गया है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुतला मुख्यमंत्री का जलाया गया है। इस संबंध में क्या कहेंगे? जैसा कि सब जानते हैं कि भाजपा में बैठी हुई केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जनहित जन विरोधी नीतियों लागू की जा रही हैं, जिसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा कल भोपाल में प्रदर्शन किया गया था, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता लोग ने शामिल हुए थे। लेकिन पुलिस के प्रशासन के द्वारा भाजपा सरकार के इशारे पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया एवं वाटर कैनन से हमला किया गया, जिससे उन्हें चोटें आई हैं, जिसके विरोध में यहां सहारनपुर कांग्रेस के द्वारा आज बस स्टैंड पर पुतला दहन किया गया शिवराज सरकार का एवं भाजपा सरकार का, और हम आगे भी इस तरह के आंदोलन जारी रखेंगे। प्रशासन ने वही नीति यहाँ भी अपनाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल। ये एक दमनकारी नीति है जिसे प्रशासन को समझना होगा कि सरकार आज है और कल नहीं रहेगी, आगे वो देखे क्या करना है उनको। निश्चित तौर पर मोहम्मद अली जी का साफ कहना है कि दमनकारी सरकार ने जिस तरह से ये आज भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सिंधु सोलंकी के साथ सलमान अली, दस्तक लाइव सहारनपुर।